स्मॉल टाउन हुंजा से डियाना अब एक बड़ी क्रिकेटर स्टार बनी है। नॉर्मली हम हुंजा में देखते हैं स्पोर्ट्स का पैशन बहुत है, खासकर लड़कियों में। हम नेशनल फुटबॉल टीम में बात करें, डियाना फुटबॉल भी खेलती हैं, क्रिकेट की बात करें इसमें भी जीबी की हैं। तो ये इंटरेस्ट वैसे कैसे, ये इत्तेफाक है, और वहाँ के पेरेंट्स ओवरऑल, आपके पेरेंट्स तो सपोर्टिव थे लेकिन ओवरऑल पेरेंट्स का सपोर्ट आपको किस तरह नज़र आता है? अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा कल्चर काफ़ी चेंज हुआ है स्पोर्ट्स को लेके, और अभी अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी देखूं तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में हमारे गिलगित के बच्चे खेल रहे होते हैं फुटबॉल में भी और बॉक्सिंग में भी, अब आगे आ गए हैं और दूसरे स्पोर्ट्स में भी। तो ये जो कल्चर है वो आपको ऑफकोर्स एक मतलब एक रोल मॉडल ऐसा दिखाना पड़ता है कि इधर एक फ्यूचर है। तो मेरे ख्याल में अब ये थोड़ा सा कल्चर चेंज हुआ है, अपने बच्चों को वो लोग सपोर्ट करते हैं। और फुटबॉल की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा क्रेडिट थोड़ा सा मैं सुमेरा इनायत और करिश्मा इनायत को भी दूंगी, क्योंकि अच्छा। वो वहाँ पे जो एक टूर्नामेंट कराते हैं साल में, मेरे ख्याल में एक एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है फुटबॉल का, तो वहाँ से काफ़ी बच्चे निकलते हैं, तो फिर वो बाद में यूनिवर्सिटीज़ में भी जाते हैं। तो इसी तरह का हम लोगों ने भी सोचा है कि हम लोग क्रिकेट का भी इस तरह से कराएं ताकि बच्चों में क्रिकेट का भी आए और हम लोगों के हमारे पास फ्यूचर में क्रिकेट के भी बच्चे हों। लेकिन बस ओवरऑल मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ग्रेजुअली एक्सेप्टेंस आ रही है और पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है फ्यूचर के लिए। यस एब्सोल्युटली।